हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हम जो है लोगों को जो है जागरूक करें सांपों के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों कॉल आती रहती है, आना जाना लगा रहता है। आज जो है हमने फिर से एक सांप को जो है रेस्क्यू किया था, तो दोस्तों अभी हम उसको रिलीज़ करने के लिए, पुनर्वास के लिए जो है यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों। तो अभी हम निकाल करके आपको जो है स्नैक को दिखा रहे हैं, उसके स्नैक के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज देंगे। आज बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए अभी हम आपको ये सांप निकाल करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो आप सांप को देखें, उसकी पहचान करें। हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है लोगों को जो है जागरूक करें सांपों के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम प्रोवाइड करा सकें। देख सकते हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, हमारे कैमरामैन आपको दिखा देंगे। इस डिब्बे के अंदर ही वो सांप है जिसको हमने रेस्क्यू किया था, और हमारे भारत का बहुत ही खतरनाक ये सांप है दोस्तों। इसी को हम रिलीज करने के लिए भी सेफ स्थान पर, सेफ वातावरण में यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। तो अभी निकाल करके हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस समय जो है गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और ये जो सांप है ज़्यादातर जो है जाड़ों के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं, जाड़ों के मौसम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो लगता है कि ये इस वाले सांप का जो है जो हमने रेस्क्यू किया है, अभी हो सकता है हमने ये लास्ट रेस्क्यू किया हो, क्योंकि अब ये निकलने जो है बंद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ज़्यादा हम इसके साथ छेड़छाड़ दोस्तों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम रसल स्वाइपर स्नैक के नाम से जानते हैं। पहले भी हम इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं दोस्तों, और हमारे यहाँ पर जो है जो लोग हैं आम भाषा में इसको जो है एक यानी कि धामण के नाम से जानते हैं। वैसे जो धामिन सांप होता है वो जो है जिस जो घुड़दौड़ घुड़पछाड़ होता है उसको हम धामिन सांप के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये जो सांप है रसल स्वाइपर इसको हम तित्ती के नाम से जानते हैं। इसके यहाँ पर जो है शरीर पर जो है इसके गोल गोल चक्के से बने होते हैं दोस्तों। तो आपको पहले भी कई बार हम दिखा चुके हैं दोस्तों, और बस यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपको ये कभी वाइट कर लेता है, भगवान ना करे किसी को वाइट करे, लेकिन कभी भी अगर कर लेता है, क्योंकि समय का पता नहीं कब अच्छा है कब बुरा है, तो कभी भी अगर ये सांप आपको वाइट कर लेता है तो कभी भी झाड़ फूक संक्रमण ध्वजागुनी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, आपको अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है दोस्तों। हम यही सबसे ज़्यादा गलत काम करते हैं, क्योंकि सांप के काटने पर हम सीधा झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसा ना करें। ज़्यादातर जो सांप हैं वो ज़्यादा जहरीले नहीं हैं, बिना विष वाले सांप हैं ज़्यादातर जो हैं, कुछ ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं, तो इसीलिए अंधविश्वास के चक्कर में आकर के हम अपनी जान को गवा बैठते हैं दोस्तों। तो बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बेजुबानों को बचाएँ। कहीं पर भी सांप दिखता है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप हमारा नंबर चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं, और ज़्यादातर जो है जो हमारी एरिया में गांव है वहाँ पर जाकर के हम रेस्क्यू का कार्य कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि बेजुबानों को बचाना बचपन से ही जो है ये अपना काम है, और बचाना बहुत पसंद है बेजुबानों को। बचपन से ही जो है बेजुबानों से अपना जो प्रेम है वो जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो बस यही चाहते हैं कि बेजुबानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बचाएँ, और आप भी हमारी इसमें हेल्प करें, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि ज़्यादा से बेजुबानों को बचाएँ, और आइए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपको एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओके।